शतक लगाने के बाद रो पड़े दीपक हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच मंगलवार यानी 28 जून को दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि इस T20 मुकाबले में अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा चमका है तो वो दीपक हुड्डा ही है, क्योंकि दीपक हुड्डा ने इस T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले को भारतीय टीम ने 4 रनों से अपने नाम कर लिया है। बता दें कि दीपक हुड्डा को पहले T20 मुकाबले के तरह दूसरे T20 मुकाबले में पारी का आगाज करने तो नहीं मिला, लेकिन ईशान किशन के जल्द ही आउट होने के बाद दीपक हुड्डा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर भारतीय टीम की जीत की नींव रखी। दीपक हुड्डा ने 57 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 6 छक्के की मदद से 104 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। आपको बता दें कि शतक लगाने के बाद दीपक हुड्डा मैदान पर काफी भावुक नजर आए और उन्होंने मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे यादगार शतकीय पारी है और मैं इस पारी को कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय के बाद भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है और मैं इस मुकाबले में खुद को साबित करने में सफल हो पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेलेक्टर्स मेरी इस पारी को देखकर मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल जरूर करेंगे और मुझे जब जब सेलेक्टर्स मौका देंगे मैं ऐसी ही पारी खेलने की कोशिश करूंगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।